कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं पंडाल में भी और टीवी के सामने, जो माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रही हैं, उसमें भी कई माताएं, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं और एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना, तीन महीना मंदिर जाते हैं, चार महीना मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते, भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम चार महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम तीन महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम पांच महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा, भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं गुरुजी, भगवान सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा, हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है। दो महीना, तीन महीना, चार महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए, भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना, एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना, समझना जरा बहुत अच्छे से, सेठ जी दुकान पर ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है, उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं, एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा, अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे, बोलो री जी, जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ इधर आओ, हाँ सेठ जी बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो, 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो, और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे, फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देव अधिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकते।